अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी आज मैं बना रही हूँ फालसे का जूस, फालसे का शरबत। फालसे आए हुए हैं, हर जगह फालसे 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 और हर वक्त फालसे फालसे फालसे। मेरे तो सर में दर्द हो गया, ना कोई टाइम ना कुछ, बस फालसे का शरबत बनाओ, बस फालसे का जूस बनाओ। मुझे ना फालसे खाना बिल्कुल भी नहीं पसंद, बिल्कुल भी मैं नहीं खाती हूँ फालसे, पता नहीं क्यों। हाँ, फालसे का शरबत और जूस जितना भी मुझे पिला लो वो मैं पी लूँगी, लेकिन मुझे फालसे खाना बिल्कुल भी नहीं पसंद। मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, कटर 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 आवाज़ आती है और ना मुझसे खाए जाते हैं। हाँ, मेरे हस्बैंड बहुत शौक से खाते हैं फालसे, और क्या नाम है ना, अक्सर वो रात को हम सो रहे होते हैं ना, तो कभी मोबाइल देख रहे होते हैं तो वो फालसे कटर, तो मुझे वो आवाज़ आती है, मुझे इतनी बुरी लगती है, मैं कहती हूँ क्या मसला है। सो जी इस वक्त भी ये ड्रामा भी चल रहा है, दिल आवेज़ आजकल बहुत ज़्यादा इन हुआ हुआ है, सब देख रहे हैं इस ड्रामे को, मैं नहीं देख रही, बस कभी कभार देख लेती हूँ बैठ के। आजकल दिल नहीं चाहता यार टीवी देखने का ना, ड्रामे श्रामे पहले बहुत देखते थे, लेकिन हाँ जब से पता नहीं उम्रा करके जब से मैं आई हूँ ना, तो मेरा खुद ही दिल नहीं चाहता ना ड्रामे ना फिल्में ना गाने। वैसे मैं ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं देखती, कभी कभार चलता है, लेकिन एक रूटीन नहीं है मेरी। नहीं, और थोड़ा सा काला नमक डाला है और चीनी जो है वो मैंने यहाँ इडली 7 से 8 टेबल स्पून डाली है। इसमें हम आइस डाल देंगे और इसको हम अच्छे से जो है 2-3 ग्लास पानी डाल के ब्लेंड कर लेंगे। ठीक है, जब ये ब्लेंड हो जाएगा तो हम इसको जो है छान लेंगे स्ट्रेनर की मदद से। लेकिन हम जब इसको छानेंगे ना, तो जो इसका मवाद निकलेगा, जो भी बचेगा हमारे पास, हम उसको फेंकेंगे नहीं, हम उसको वापस से 2-3 ग्लास पानी डाल के उसको हम दोबारा से जो है ग्राइंडर में चलाएंगे और उसको मिक्स करेंगे। क्योंकि अगर हम उसको बाद लोग ऐसा करते हैं छान के ना फेंक देते हैं, तो सारा तो जो उसके फ़ायदा था फालसे का वो तो ख़त्म ही हो गया, तो बीज तो वैसे भी निकल ही जाएंगे जब आप उसको छानोगे। तो हम छानने के बाद, ये देखिए मैंने इसको छान लिया है और छानने के बाद ये ऐसा हो चुका है, और जो हम इससे मैंने इसको छाना है, थोड़ा टाइम तो लगता है, इसमें मेहनत है, और बाकी ये निकला है यहाँ पे, तो इसको हम वापस से 2-3 ग्लास पानी और थोड़ी सी चीनी और काला नमक डाल के हम इसको फिर से ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेंगे, और जी हम फिर इसको ठंडा ठंडा पियेंगे। सो आप लोग भी हमारे साथ फालसे को इंजॉय करें, आइस क्यूब्स डाल के हम इसको ठंडा ठंडा पियेंगे। फालसे को पीना बहुत अच्छा लगता है, फालसे का जूस और शरबत। मुझे आप लोगों को कैसा लगता है मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। बेड कहाँ से ढूंढा? क्यों, ये तो मैंने रख दिया था ना उठा के। ये गाइस, ये जो बेड है ना, ये इससे सबको, बॉल को नहीं मारता था इब्राहिम, सबको इस बेड से मारता था, तो मैंने ये बेड ही छुपा दिया था, और आज मेरे बेटे ने फिर ये बेड ढूंढ के निकाल लिया मारने के लिए सबको। व्हाट इज योर नेम? आप मुझे रिप्लाई करो, माय नेम इज इब्राहिम। तो ये मैं आपसे क्वेश्चन करूंगी, व्हाट इज योर नेम? अल्लाह, आप मुझे आप ये रिपीट नहीं करो, आप बोलो माय नेम इज इब्राहिम। व्हाट इज योर नेम? ये तो मुझे लग रहा नहीं सीखेगा, हम अपनी भूल जाएंगे इनको सिखाते सिखाते। आपको ये नहीं बोलना व्हाट इज योर नेम, इधर आओ मेरे पास आओ, कहाँ जा रहे हो? आपको सिर्फ आंसर करना माय नेम इज इब्राहिम। इधर मेरी तरफ देखो, क्यों तोड़ रहे हो बैट? सारी चीज़ें तोड़नी है, कोई चीज़ हमारे घर में बाकी नहीं रहती। दो गन्स आई थी इसकी, वो भी इब्राहिम ने तोड़ दिए, और ये मेरा सुलेमान अभी नहाई धो के आए। इब्राहिम पिंक अंगा दो मुझे, पिंक अंगा उठा के दो। ये आपने ही फेंका है, ये हमारे सुलेमान है। सुलेमान कभी भी कंगा नहीं कराता। अच्छा मैं दिखाती हूँ सुलेमान, स्पाइडरमैन की ब्लू गन मैं नहीं लगा रही, हम ABCD देखेंगे। अब आप स्कूल जाओगे तो उसकी तैयारी करो ना।
नहीं स्पाइडरमैन नहीं देती, स्पाइडरमैन एबीसीडी देखेंगे। नहीं। क्यों क्यों स्पाइडरमैन देखेंगे। अच्छा भाई के कंगा तो कर दूं। सुलेमान सुलेमान ना इसने कभी नहीं देखना। इब्राहिम चलो ट्विंकल ट्विंकल सुना दो जल्दी से। थैंक यू। चलो अल्लाह हाफिज़ बोल दो। बोला अल्लाह हाफिज़।